दावा गलत है कि गांधी परिवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया। प्रियंका गांधी वाड्रा को 23 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे अपना नामांकन पत्र दायर करना था, लेकिन पहले रोड शो और फिर रैली में हिस्सा लेने के कारण उन्हें कलेक्टर दफ्तर में पहुंचने में देर हो गई। रैली में जब मल्लिकार्जुन खड़गे अपना भाषण दे रहे थे, उसी समय प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, उनके बेटे रेहान वाड्रा इस रैली को बीच में ही छोड़कर कलेक्टर के ऑफिस के लिए रवाना हो गए, क्योंकि नामांकन पत्र दाखिल करना था। और बाद में प्रियंका गांधी वाड्रा ने रिटर्निंग ऑफिसर से खुद ये कहा कि जब उनकी मां सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहां आएंगे, तब उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान वाड्रा वहां से बाहर चले जाएंगे। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि नामांकन के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में एक समय पर ज्यादा से ज्यादा 5 लोग ही बैठ सकते थे। नामांकन का पहला सेट पूरा होने के बाद रॉबर्ट वाड्रा और उनके बेटे रेहान वाड्रा बाहर चले गए और सोनिया गांधी अंदर आ गई। लेकिन इस दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और एक और दूसरे नेता केसी वेणुगोपाल को बाहर दरवाजे पर ही रोक दिया गया। और ये तस्वीरें उसी समय की हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जब मल्लिकार्जुन खड़गे दरवाजे से अंदर झांक रहे थे, तब रिटर्निंग ऑफिसर उन दस्तावेजों की जांच कर रहे थे जिन्हें प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने नामांकन पत्र के साथ जमा किया था, और रिटर्निंग ऑफिसर के कहने पर ही मल्लिकार्जुन खड़गे को उस समय बाहर रोका गया था। लेकिन इसके बाद पहले मल्लिकार्जुन खड़गे अंदर आए और उसके बाद राहुल गांधी वहां पहुंचे, और इस तरह प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव में अपना पहला नामांकन पत्र दायर किया। और इस दौरान यह नियम था कि रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में एक बार में 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, इसलिए जो लोग पहले से अंदर मौजूद थे उन्हें बाहर आना पड़ा और जो लोग बाहर थे उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ा। और इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे का किसी ने वीडियो बना लिया, जिस पर अब हमारे देश में काफी राजनीति हो रही है, ये कहते हुए कि भाई एक दलित नेता का बहुत बड़ा अपमान हो गया।